नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अवैस। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में आज उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग अब गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक लेकर जाने और वापस लेकर आने की सुविधा निःशुल्क देगा। साथ ही प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को हेलीकॉप्टर के अलग अलग अस्पतालों से निःशुल्क भेजने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जा रही है। साथ ही मरीजों की निःशुल्क पैथोलॉजी जांच और अस्पताल से मुफ्त दवाइयां भी सरकार देगी। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रुकी हुई फैकल्टी की भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में जल्द ही नई फैकल्टी की भर्ती की जाएगी। वहीं पिछले कई समय से धरने पर बैठे आउटसोर्स कर्मियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी आउटसोर्स कर्मियों को जल्द ही समायोजन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और आने वाली कैबिनेट की बैठक में सभी आउटसोर्स कर्मियों को समायोजन कर दिया जाएगा। वहीं चारधाम यात्रा में यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में इस बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई सारे इंतजाम किए गए हैं, फिर भी यात्रियों को हो रही असुविधाओं को देखते हुए गुप्तकाशी, गंगोत्री और यमुनोत्री में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की अतिरिक्त गाड़ियाँ भेजी जा रही हैं, जिससे अगर किसी यात्री को यात्रा के दौरान कोई परेशानी होती है तो यात्री का तत्काल इलाज किया जा सके। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में सरकार की तरफ से एक तो जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटल तक लाना और जब जच्चा बच्चा हो जाएगा फिर घर तक छोड़ना, ये सरकार की तरफ से निःशुल्क किया जाएगा। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्र में कई बार कोई गंभीर अगर मरीज है और उनको एम्स लाना है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाना है या मेडिकल कॉलेज में लाना है तो उनके लिए हेलीकॉप्टर की सेवा भी हमारी सरकार की तरफ से निःशुल्क दी जाएगी। तीसरा, जितने भी पैथोलॉजी लैब 207 जाँचें हमारी सरकार के द्वारा निःशुल्क जो है आम आदमी के लिए दी जाएगी। चौथा जो है, जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में जाएगा उसको सरकार की तरफ से दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। और जो हमारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है वहां के प्राचार्य जी को आज हमने अधिकृत कर दिया है कि वहां अच्छी से अच्छी फैकल्टी कैसी लाई जाए और हमारी जो फैकल्टी है उस फैकल्टी को जो है कैसे इनोवेटिव और किया जाए और मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए जो भी उनको करने हैं पूर्ण अधिकार हमने उनको दिए हैं। और मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैं तीनों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज भी हमारा शुरू हो गया है। देखिए, ऐसा है कि चार धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड यात्री आ रहे हैं और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम वहाँ किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने लगभग 200 से ज़्यादा डॉक्टरों की वहाँ नियुक्तियाँ की हैं और अब कल ही हमने निर्णय यह किया है कि फाटा में भी, गुप्तकाशी में भी, यमुनोत्री की रोड पर भी और गंगोत्री में भी हम 108 जो हमारी गाड़ियां हैं जो कि एडवांस सपोर्ट सिस्टम है जिनमें कि हर प्रकार की जांचें की जा सकती हैं, वो दो दो गाड़ियां हमने वहां और भेजी हैं। तो हल्द्वानी से ये थी हमारे सहयोगी आबशार बख्श की रिपोर्ट। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज। नमस्कार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शान रजा और मेरे साथ हैं भामिनी और केशव। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं इस 8 तारीख को यानी मदर्स डे पर आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गाना जो आप सभी अपनी माँ के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, जो गाया है भामिनी ने और मेरे भाई छोटे भाई केशव ने। और ये गाना आपको बहुत पसंद आने वाला है और इसको हम इस गाने को लॉन्च कर रहे हैं अपने चैनल स्काईफ्लेक्स म्यूजिक पर। और मेरा सभी से आपसे बिल्कुल दिल से निवेदन है कि आप लोग इस गाने को देखें और आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। हमने इस गाने को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तो आप प्लीज इसे देखना। गाने को शानू भाई ने लिखा है और मेरी दीदी और मैंने इस गाने को गाया है। इस गाने में मेरी मम्मा भी साथ है तो आप इस गाने को प्लीज देखिए।